का नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागीराम है। मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के, अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3,000 रुपये दिए हैं। पवन आता तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों, तो बोलता कि नहीं, मैं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोलता कि जो मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, या तो तू अपने घर वालों से मुझे पैसे दिलवा या फिर तू उनसे मेरे को हिस्सा दिलवा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो जैसे मैं बोलूँगा तुझे वैसे पैसे कमाने पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। 6 जून को 2020 में लॉकडाउन में उसने मेरे को घर से निकाल दिया था। मैं बहुत बीमार थी, बहुत परेशान थी, बहुत बुरी हालत में थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने भाई को ऑटो वाले के फ़ोन से फ़ोन किया, ऑटो वाले के भाई के फ़ोन से फ़ोन किया अपने भाई को। मेरा भाई मुझे रोहिणी सेक्टर 18 से लेके आया, मेरा किराया दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत बीमार, बहुत परेशान, बहुत बुरी हालत में थी। मैं जिस दिन से अपने घर आई हूँ उसी दिन से मेरा भाई मेरे मम्मी पापा मेरा इलाज करा रहे हैं, मेरे को दवाई दिलवा रहे हैं। मैं बहुत बीमार थी और मेरे घर आने के बाद वो लोग घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे घर वालों को बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज करके बहुत झगड़ा करते हैं। मैं और होली वाले दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी। मेरे घर पे 20-25 लोग आए और मेरे मम्मी पापा बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करा, गाली गलौज करी, मार पीट। हमको गाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। पत्नी दूसरी शादी के चक्कर में पड़ी, इसके घर वाले जो है साथ में मिले हुए। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पर रोना आया। बदायूं के मशहूर गीतकार हैं शकील बदायूं ने, आज बरबस ही जुबान पर उनका ये गीत आ गया। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हरदोई की रहने वाली एक मुस्लिम महिला आज SSP से मिलने उनके दफ्तर आई थी। वो जारदार रोते हुए एक ही बात कह रही थी कि कोई उसके पति को वापस लौटा दे। आइए हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं। हरदोई की रहने वाली मुस्कान मुस्लिम है और उसका अर्जुन नाम के एक युवक से प्रेम हुआ। ये अर्जुन बरेली के झीलगोटिया चनहटी का रहने वाला है। 4 साल दोनों में मोहब्बत हुई और 7 महीने पहले ही दोनों ने एक मंदिर में विवाह कर लिया। अर्जुन की खातिर मुस्कान ने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो मुसलमान से हिंदू बनी। खुद नौकरी की उसने अर्जुन को ITI में पढ़ाया, किराए का मकान लेकर अर्जुन को वहीं रखा। इसके बावजूद मुस्कान का कहना है कि अर्जुन उसे छोड़कर कहीं भाग गया। जब वो जॉब से घर लौटी तो घर में अर्जुन नहीं था और कीमती सामान भी गायब था। वो अर्जुन को तलाशते हुए अपनी ससुराल झील गोटिया पहुंची और यहां अर्जुन के घर वालों ने उसे मारपीट कर भगा दिया। थाने गई तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार उस जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर SSP रोहित सिंह सजवान के दफ्तर पहुंची और उनसे फरियाद की। SSP तो नहीं मिले लेकिन उसकी मुलाकात यहाँ CO से हुई। CO को उसने पूरा मामला बताया कि किस तरह से उसने मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसके बावजूद भी उसका पति उसका नहीं हुआ, उसको छोड़कर कहीं भाग गया है। हमारी शादी साथ में पहले हुई थी, वहाँ पे मंदिर में हुई थी शादी, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ रहने लगा, रहते रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया, तो सामान वामान लेके। ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। कब से जानती हूँ आप इन्हें? हमें हो गए 3-4 साल। कहाँ रहते थे? यही बरेली में रहते, हमसे जो है यहीं पे हम अपनी जॉब पे थे, अपने ये खाके सामान सब भाग गए। हमको गाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। ये मामला इस वजह से भी अहम है कि पिछले दिनों खूब शोर मचा था धर्म परिवर्तन को लेकर, लव जिहाद के नारे लगाए गए थे और इसकी रोकथाम के लिए कानून भी आया था। मुस्कान को SSP दफ्तर में जारो कतार रोते हुए देखकर प्रियंका गांधी का वो नारा भी याद आ गया जिसमें वो कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो लड़की रो रही थी लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था।
वो पुलिस से भी इंसाफ की गुहार लगा रही थी और मीडिया कर्मियों से भी यही कह रही थी कि उसका पति उसको दिलवा दिया जाए। पत्नी दूसरी शादी के चक्कर में पड़ी। थाने गई थी आप? थाने भी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके घर वाले जो है साथ में मिले हुए, हमको खाली बुलवा दो बस और कुछ नहीं। शकील बदायूनी का जो मशहूर गीत है वो उसकी बांगी पेश कर रही थी कि मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। ये मोहब्बत है जिसके बारे में लोगों ने कहा है कि पाकर भी लोग रोए हैं और खोकर भी लोग रोए हैं। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया? मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए, आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा। सुमेरा हनी। सुमेरा हनी पहले। अच्छा, शादी के बाद जो है मेरा अंजनी सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? अच्छा, कोर्ट में शादी कर। शादी किए? हाँ। तो इससे बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? कोर्ट में। नामकरण कोर्ट में ही हुआ? तो कोर्ट में जो है। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी, फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब तो बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे, फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जाए यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को मामला क्या है कि ये लड़का एक नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के जहाँ शादी की मुझे फंसा लिया है। अच्छा। बस ऐसी क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बस झूठे मोटे दिलासा दिला कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। कैसे परिचय हुआ था इससे आपको? बस ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से। कहाँ का मामला है ये? सकरा थाना। शिकायत भी करके की? हम शिकायत किए सकरा थाना में भी किए, महिला थाना भी किए हैं, महिला आयोग में भी किए, सब जगह किए हैं। कितना दिन तक चला? 1 साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, जिसने इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया जबरदस्ती दवा खिला के। हाँ, शिकायत किए, एसपी सर के यहाँ भी किए, सब जगह किए, समाज में 3-4 पंचायती भी हो, पंचायती को नहीं मानता है, बोलता कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है। सर ये है कि मैं विनय रंगशाय की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे, और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाय ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ, और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने, और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया, मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इन लोग इसने बहुत हंगामा किया, वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक CSP को इसका
दोस्त है, कोई डीएसपी दोस्त है, कोई वकील जी, तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया तो। उनको वहां बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया था? धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया, कोई गजेटेड ऑफिसर है 36 साल का आदमी जब शादी तरफ से? उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना, मैंने सनातन धर्म लिया, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है, यहाँ कोई किसी का धर्म, आपको इतनी आजादी थोड़ी है कि आप अपना अपना धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कोई से? कौन है ये जिला आपका मामला है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला जी? ये भवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मुझे हमेशा परेशान कर रही है, भवरकुआ थाने ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब मैं फरियादी हूँ, उनको मेरे पास आना चाहिए, मुझे बार बार बुला रहे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है फिर भी वो मुझे मतलब हर तरह से फोन लगा रहे हैं और ये बंदा मुझे अलग अलग से अब्यूज कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी, मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट द वे। कौन है रंगशाही, किस पद पे हैं अभी? ये जिला आबकारी अधिकारी है, अलीराजपुर में है ये पोस्टेड और ये मैं आबकारी विभाग में भी ये सब चीज दे चुकी हूँ लेकिन आबकारी विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ। अच्छा, है पहले भी कोई वीडियो